कहानी नंबर 64, गैर हाजिर कंधे। अरुण साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका से प्राप्त कर रहे थे। अरुण साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने अरुण साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। अरुण साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगा और वे वापस भारत लौट आए। दुर्भाग्य से अरुण साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य अरुण साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। अरुण साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वाहन कर रहे थे। एक रात्रि अरुण साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चल दिए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से अरुण साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि अरुण साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर कोई और सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा अरुण साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले अरुण और फिर भावना की मौत हुई। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे, जिसकी माँ बाप को सबसे ज्यादा उम्मीद रही होगी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपयों की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। अब अपनी बात पर आते हैं। आज वर्तमान में भी सभी माता पिता अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं, विदेश भेजकर पढ़ाना चाहते हैं और उन्हें हर तरह से लायक बनाना चाहते हैं। पर हम उन्हें इतने लायक बना देते हैं कि वे हमें ही एक दिन नालायक समझने लगते हैं। क्या लाभ है ऐसे अति शिक्षित बच्चों का जो आपको अंत समय में धर्म की 2 बातें ना समझा सकें, आपका समाधि मरण ना करा सकें। इस कहानी में गलती मात्र बच्चों की ही नहीं है, बल्कि उन माता पिता की भी है, क्योंकि माता पिता ने ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा को ही अच्छा माना है, इसको ही प्रोत्साहित किया है और धर्म संस्कृति सभ्यता सदाचार आदि को ना अच्छा माना और ना इसे प्रोत्साहित किया। अगर इस वीडियो को देखने वाले आप माता पिता हैं और आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी यही घटना घटित हो, तो आज ही अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दीजिए, उन्हें पाठशाला में भेजिए, स्वाध्याय करने के लिए प्रेरणा दीजिए और उन्हें शास्त्री विद्वान बनाइए। और अगर इस वीडियो को देखने वाले आप पुत्र और पुत्री हैं, तो प्रण लीजिए
कि आप कभी भी अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करेंगे और उन्हें समाधि मरण कराने में निमित्त बनेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करके सभी माता पिता और उनके बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं। अगर आपने भी इस कहानी से कोई प्रण लिया हो तो वह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।